नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कोरोना ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अब एक बार फिर से क्रिकेट की पिच पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। आपने खबरें पढ़ी होंगी कि एसीज में लगातार कोरोना का साया पड़ रहा है। इसके अलावा बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब कोरोना की वजह से ही मैच भी स्थगित करना पड़ा है। जी हाँ, इस वक्त खेले जा रहे सीरीज का पहला वनडे मैच स्थगित कर दिया गया है और अब सभी एहतियात बरतने के बाद, सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होने के बाद 24 घंटे बाद ये मैच यानी अब कल खेला जाएगा। आपको बता दें कि आयरलैंड और यूएसए के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच फ्लोरिडा के सेंट्रल बोवार्ट रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड पर खेला जाना था। प्लेइंग और सपोर्ट स्टाफ में कुछ नए कोविड-19 पॉजिटिव केस पाए गए, जिसके चलते तुरंत मैच स्थगित किया गया और अगले 24 घंटे का वक्त लिया गया मैच दोबारा शुरू कराने के लिए। अब यह मैच 29 दिसंबर को खेला जाना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी यह मैच खेला जाएगा। टीम के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ का एंटीजन टेस्ट कराया गया है और सबके रिजल्ट अभी तक तो निगेटिव आए हैं। अगर अब खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के 29 दिसंबर को मैच से शुरू होने से पहले कोविड टेस्ट के रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तभी मैच हो पाएगा और तय शेड्यूल के मुताबिक ये मैच खेला जाएगा। 29 दिसंबर को सीरीज का दूसरा, जो कि अगर देखें कि पहला मैच जो रद्द किया गया वही होगा, तो सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा और 30 दिसंबर को सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। और इस तरीके से ये सीरीज केवल दो वनडे मैचों की भी की जा सकती है, क्योंकि पहला मैच जो कि आज खेला जाना था उसे अभी स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में इस सीरीज को अब तीन की जगह दो वनडे मैचों की किया जाने पर विचार चल रहा है। 26 दिसंबर को सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाना था, लेकिन एक मैच ऑफिशियल के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसे स्थगित करना पड़ा और सभी का कोविड टेस्ट किया गया। फिलहाल जो भी अपडेट होगी इस सीरीज को लेकर वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट की पिच पर एक बार फिर से कोरोना का साया ना पड़े और क्रिकेट सुचारू रूप से चलता रहे।